अब परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। कहते हैं जैसे कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहाँ आते हैं तो कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती, मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा, वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं उनको तुरंत, देखो दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपला तो परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंड नोम होती है, यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी, सेकंड्स के भी कुछ सेक्शनों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। जैसी उसकी अंतर्करण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत आराहत मिलती है, मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते वहां जाते हैं, दुखी दिन आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता है सब नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा, और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर दो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको आप उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान अर्जन से गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहाँ आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहाँ नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे, परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये दड़े थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने, तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, दो तीन खुराकों में एक ही जैसा रोग होता है, और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो उसके रोग रोग मंत्र है ये, वो नहीं सोचा इसका तो दो ही खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी ही पड़ेंगी, पर ठीक होगा क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, और कबीर साहब के अतिरिक्त, और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे आपके, आपके संसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, संसारिक सुख प्राप्त होंगे, संसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे किसने भयंकर हो किसी प्रकार की, चाहे घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम झड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं।